Hello students, I hope you're all fine. I'm your English teacher. Today we will learn poem number 1 from BA English part 1. And the title of the poem is Life. And this poem is written by William Davis. As you can see the title, Leisure, and leisure meaning fursat, free time. Wo time jo aapka bilkul free time hota hai. Okay. The first thing that we will do today is reading, and while doing reading I will tell you the meaning of difficult words, and after then that I will translate this stanza into Urdu. Okay, let's move toward stanza. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nests in grass. Okay, let's move toward difficult words. As you can see here, the first word is care. Care ka matlab वैसे तो हम सब जानते हैं कि ख्याल होता है, लेकिन यहाँ पे जो शायर ने जिस नियत से यूज किया है उसने वरी किसी टेंशन को, किसी परेशानी को, वरी को, एंग्जाइटी को जो है वो डिफाइन करने के लिए या उसको बयान करने के लिए वर्ड केयर यूज किया है. स्टेयर का मतलब होता है किसी चीज को घूरना, देखना, और इंग्लिश में इसका इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं गेज, लुक, ग्लेयर. बीनीथ होता है अंडर, बीनीथ का मतलब होता है नीचे या फिर बिलो, अंडरनीथ, अंडर. बोज होती है ब्रांचेस, ब्रांचेस यहाँ पर आप उसको उर्दू में देखें तो शाहें, दरख्तों की शाहें जो होती हैं उसको बोलते हैं बोस. हाइट का मतलब होता है उर्दू तर्जमा जो है वो क्या है, मास्क जो है छुपना या और हाइड का मतलब होता है छुपाना, छुपना, कंसील, हाइडिंग और मास्क. ओके, लेट्स मूव टू वर्ड स्टेंजा उर्दू ट्रांसलेशन. उर्दू ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा जो इसका तारुफ है, जो इसका बैकग्राउंड है, जो के राइटर ने जिस इंटेंशन से लिखी है पोएम, मैं वो आपको बताती चलूँ ताकि आपको ये पोएम समझने में आसानी रहे और जो स्टेंजर्स हैं वो आप इजीली जो है वो जो है समझ सकें. बेसिकली ये जो पोइम जो राइटर ने लिखी है या पोइट ने लिखी है वो उसने इस इंटेंशन से लिखी है कि जो आजकल का इंसान, जो बहुत बिजी इंसान है सॉरी, वो अपने कामों में इस हद तक बिजी है, जो अपनी ही जो उसकी अननेसेसरी कमिटमेंट्स हैं उसमें इस हद तक बिजी है कि उसके पास कोई टाइम नहीं है कि वो जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं या फिर उसको ब्यूटी ऑफ नेचर कह लो, उसको वो देख सके और उससे लुत्फ उठा सके, जिसकी वजह से उसको कोई फ़ायदा तो अभी जो जितनी भी वो तरक्की कर रहा है वो कर तो रहा है, लेकिन उसको ज़हनी सुकून नहीं है, वो बहुत परेशान है, बहुत उदास है. और किस वजह से? क्योंकि वो इस हद तक जो है वो बिजी उसने अपने आप को कर लिया है कि वो जो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं उनकी तरफ ध्यान करके अपने आप को जो है वो तस्कीन या फिर वो सुकून जो है वो नहीं दिला सकता.